उनको कंफ्यूजन आता था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे हाँ, बोलते होंगे कि हार्ट अटैक आ जाएगा, बीमारियों के बारे में ही बात करते रहते नई नई बीमारियां ढूंढते। एक बार फोटो देखिए, स्मृति नष्ट कर दी जाए इनकी, इनको हार्ट अटैक लग जाएगा, चक्कर की स्मृति नष्ट कर दीजिए, चक्कर आता है तो उनको लगता है कि हार्ट अटैक आएगा, सूझ में सर गायब है इनका, सिर लाया जाए। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं यहाँ कानपुर में कल्याणपुर से आई हूँ और मेरे डीएनए में दो लोग और हैं, एक मेरा बेटा और एक मेरे पति, और हमने मिलकर जो है वो ये पति के स्वास्थ्य के लिए, खास तौर पे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अब तक रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है उनकी लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। कहाँ है आपके पति देव इस वक्त? तो वो 3-7 में लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनका फोटो देखिए जी, इसमें लगा दें। अच्छा, जो उनके कष्ट है प्रहार धूमावती सक्र शुद्ध, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना बंधन कीजिए 3 बार, ओम नमः शिवाय बोलो। देखिए तमाम एक कष्ट, उनको क्या कष्ट बता दिए डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं अपने स्वयं कुछ के? वो तो सारी नॉर्मल सब कुछ नहीं, टेस्ट इन्हें क्या कष्ट हो रहे हैं ये पूछ रहे हैं। इन्हें कष्ट हो रहा है, इनका बायां हिस्सा पैरालाइज्ड है, वो हाथ जो है वो इस तरह से अकड़ गया है, उंगलियां काम नहीं कर रही, बायां पैर बेकार है। देखिए ये उनके कष्ट है, सुनिए जी। भोजन नली चिपक रही थी, भोजन से अरुचि हो जाती थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाते थे, कूल्हे के जोड़ घिस गए थे, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृतियां थी, रक्त पानी हो रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, MND की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, कमर से नीचे धीरे धीरे कमजोरी आ रही थी, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स में खिंचाव, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, बेड सोर की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, हड्डियों में, रक्त में, फेफड़ों में, लिवर में और गुदा द्वार में। देख लिया आपने ये कष्ट सारे उनको हो रहे, ये भी देखिए रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन, बेड सोर की स्मृतियां, लकवे की स्मृतियां, पैर कमजोर हो रहे थे, MND की स्मृतियां, मोटर न्यूरॉन डिजीज था, पैर में दर्द होना और घुटनों में सड़न हो रही थी। उनको कंफ्यूजन आता था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, हाँ, ऐसे बोलते होंगे, हाँ, कि हार्ट अटैक आ जाएगा, बीमारियों के बारे में ही बात करते रहते हैं। नई नई बीमारियां। आप फोटो देखिए, एक बार फोटो देखिए, स्मृति नष्ट कर दी जाए इनकी, इनको हार्ट अटैक लग जाएगा, चक्कर की स्मृति नष्ट कर दीजिए, चक्कर आता है तो उनको लगता है कि हार्ट अटैक आएगा, सूझ में सर गायब है इनका, सिर लाया जाए दरबार से, लगाया जाए शुद्ध मस्तिष्क स्वस्थ किया जाए, ब्रेन में जो कीड़े पड़े निकाल के नष्ट करके सेकों खिला दे, कोमा में ले जाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की जाए, माइग्रेन की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी, जो ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है उसकी स्मृति नष्ट की जाए, सक्रिय की जाए, नर्वस सिस्टम इनका, जो प्राण बाहर निकल गए काफी अंदर की जाए। ओम अंदर प्रवेश कराएंगे, थोड़े प्राण की धर्म पर इसलिए स्वयं की जितनी स्मृतियां बाहर है शुद्ध सब वापस चले जाए, शुद्ध मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, प्रहार अभय प्रदान कर दिया जाए, निर्भय किया जाए।
शुद्धि स्वयं से रहती स्तंभित। काम दे बड़ी हुई काम तक काम वासना खींच के अपने समाहित कर। जो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, किडनी डैमेज हो रही औषधियों के कारण, ब्रेन डिस्टर्ब हुआ औषधियों के कारण, सब स्मृतियाँ नष्ट कर दी। प्रहार तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रहार प्रवेश तीन बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस इसको रख दीजिए। अब देखिए पति देव को आंख बंद करके नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप आंखें बंद करिए, उनके बारे में सोचिए। प्रहार तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पवित्र कर दीजिए, आंख खोलिए, बंधन खींचिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन जरूर करना है उनका सिर पे और नाभि पे। अच्छा, एक और समस्या है जीवन में, शायद इसी से जुड़ी हुई है वो। हम एक व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप है, और उसमें मतलब पतिदेव कतई तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते थे और वो स्टार्टअप में उतर गया है। तो हम इसको एक गरीब महिलाओं के साथ जुड़कर उनको व्यवसाय देने के लिए कढ़ाई का काम शुरू कर रहे हैं, जो 20-25 सालों से ख़त्म सा हो गया है। तो हाथ की कढ़ाई का काम कर रहे हैं और उसमें उनको लगता है कि हम बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, मतलब ख़ासतौर पर मैं। तो उसमें आप थोड़ी सी सहयोग करें कि हम। आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, पूरे मनोबल से उससे। आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा हो नहीं सकता। दी बेस्ट, दरबार आपके साथ है, ठीक है, सब अच्छा अच्छा होगा, खुश रहिए। प्रणाम। दरबार के जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो तो बताइएगा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, खुश हो, प्रसन्न रहिए।